हेलो एवरीवन, हमारी जर्नल एंट्रीज की सीरीज में आज हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 86 पे जो प्रॉब्लम नंबर 6 है वो डिटेल में देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ नीना जनरल स्टोर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। देखिए, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इन द बुक्स ऑफ नीना जनरल स्टोर्स जर्नल, ऐसे आपको लिखना है, और डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट एंड क्रेडिट, ऐसे आपको कॉलम्स बनाने हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट क्या है, देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट टू राज एंड रिसीव 50 बाय चेक एंड 20% बाय कैश। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन। अभी मुझे आपका 100% यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड ये कैसे हो रहा है। मैंने जब बेसिक ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के जर्नल एंट्रीज दिखाए थे उसमें मैंने थरली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। किसी ने अगर अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं सुना है, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर ताकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट अस सी दिस ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स एट 50,000, तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे, 50,000 is the list price. What is the discount? 10% trade discount. TD is trade discount. ठीक है? हमने पढ़ा है that trade discount never appears in the books of accounts. तो यहाँ पे मुझे minus करना है 5,000. That is 45,000 बचा. What is this 45? This is the net amount. इस amount पे मेरा sales record होगा. तो यहाँ पे लिखना है 45,000 का मेरा sales हो गया. Right? अभी आगे क्या दिया है, देखो, 10% कैश डिस्काउंट है। अभी देखो क्या बोला था मैंने, कैश डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है। इसका मतलब जितना पैसा हमें पे करना है या जितना पैसा हमें मिलेगा उतने पे ही डिस्काउंट मिलता है। जो अनपेड अमाउंट होती है उस पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जाहिर है, द नेम सजेस्ट कैश पेमेंट के लिए डिस्काउंट मिला है। तो इसीलिए कितना कैश पेमेंट है वो हमें देखना है, 50% रिसीव्ड बाय चेक एंड 20% बाय कैश। तो 45,000 को हमें तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। क्या, एक है 50% जो हमें चेक से मिला है, मतलब बैंक का अकाउंट अफेक्ट होगा, राइट। दूसरा है 20% कैश, मतलब कैश का अकाउंट अफेक्ट होगा, और बचता कितना है, 100 में से 50 और 20 माइनस करिए 30% बचता है, राइट। वो क्या है, दिस इज द अनपेड अमाउंट, ये अमाउंट पे नहीं हुई है। ऑलराइट, अभी 45,000 का 50% दैट इज 22,500, 45,000 का 20% दैट इज 9,000 एंड 45,000 का 30% दैट इज 13,500। अच्छा, विथ मी यहां तक समझ में आया, ये क्या किया, अभी ये क्यों किया, बिकॉज जितना पेमेंट है 50 एंड 20% उस पे ही कैश डिस्काउंट होगा 10% का। ये जो 30% है ये अनपेड अमाउंट है, ये वैसे ही रहने वाली है, इस पे हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो कैश डिस्काउंट है 10%, लेट अस सी कितना है, माइनस 10% कैश डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट अमाउंट इज 2,250, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 900। अभी नेट कितना आ रहा है, देखो, बैलेंस 22,500 माइनस 2,250 दैट इज 20,250, और यहाँ पे आ जाएगा 8,100। दिस इज द अमाउंट जो हमें बैंक में मिलने वाली है, दिस इज द अमाउंट जो मुझे कैश में मिलेगी, एंड 900 प्लस 2,250 इट कम्स टू 3,150। व्हाट इज दिस अमाउंट, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट। मैंने सेल्स किया है, मतलब कैश डिस्काउंट मेरे लिए हो जाता है लॉस, तो मुझे इसे करना पड़ेगा डेबिट, और दिस 13,500 ये पैसा मुझे मिला नहीं है। व्हाट इज द नेम, राज, तो इससे मुझे राज के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज फ्यूचर में उससे मुझे पैसा मिलेगा ना, तो वो मेरा डेटर बन जाता है, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन अच्छी से समझ गया बच्चों, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ये एकदम अच्छी से आप नोटबुक में लिख लीजिए ताकि क्लियरली आपको समझे। देखिए, मैंने बाइफर्केशन एकदम अच्छे से किया हुआ है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो लेट अस पास जर्नल एंट्री। अभी
2018। सबसे पहले क्या है मेरे बिजनेस में? कैश आ रहा है, तो मैं लिखूंगी कैश अकाउंट डेबिट। बैंक आ रहा है चेक, तो बैंक अकाउंट भी डेबिट होगा। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट मैंने दिया, इट इज माय एक्सपेंस, तो डिस्काउंट को भी मुझे डेबिट करना है। और राज से पैसा फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं मिला, तो राज के अकाउंट को भी मुझे डेबिट करना है। और मैं क्रेडिट किसे करूंगी? मेरा सेल्स हो रहा है ना, तो मैं सेल्स को क्रेडिट करने वाली हूं, राइट। सेल्स की अमाउंट क्या है? जो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट थी, व्हाट वाज दैट अमाउंट? 45,000। तो लेट अस क्रेडिट सेल्स बाय 45,000, ऑलराइट। और कैश में कितना आया? 8,100 है यहाँ पे देखिए, तो 8,100 कैश के आगे लिख रही हूँ। बैंक में कितना पैसा आया? 20,250, सो लेट मी राइट दैट हियर। टोटल डिस्काउंट कितना मैंने अलाउ किया? 2250 प्लस 900, दैट इज 3,150। और कितना पैसा आना बाकी है? 13,500। तो मैं राज को डेबिट करूंगी 13,500 से, ओके। अभी हमारा नरेशन क्या आएगा यहाँ पे? बीइंग सेल्स मेड एंड डिस्काउंट अलाउड। अभी आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो इसकी आप एक बार टोटल ले लीजिए। इसकी टोटल आपकी आ रही है 45,000, दैट मींस मेरी डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल सेम आ रही है, दैट मींस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर एंट्री हैज टू बी करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गई ये एंट्री? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है। अगर नहीं समझ में आया है, वापस आप एक बार वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, गो थ्रू दिस अगेन। अगर कोई भी आपको डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट। Okay, let us move ahead now. अगर ये आपका सबका हो गया है ना, तो let me now erase this because मुझे बाकी का working note भी यहाँ पे बनाना है। What is the second entry? Bought goods worth 60,000 from Prashant at 7.5% trade discount. And half amount paid by cash. अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे? Calculate करेंगे trade discount कितना आ रहा है। 60,000 के goods हमने purchase किए हैं, तो trade discount कितना है? 7.5%, which is 4,500, right? Trade discount हमें books में कभी नहीं दिखाना है, जो net amount है उस पे हमारा purchase record होगा, correct? Net amount कितना? 60,000 minus 4,500, that is 55,500. ये अमाउंट है जिसपे मुझे purchases रिकॉर्ड करने हैं। आगे क्या दिया है? Half the amount is paid by cash. इसका क्या मतलब हुआ? कैश में आधी अमाउंट हमने पे कर दी और आधी जो अमाउंट बची, दैट इज स्टिल अनपेड। अगर अनपेड है तो मुझे प्रशांत के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज फ्यूचर में मुझे कभी ना कभी जाके प्रशांत को पैसा देना है, तो ही बिकम्स माय क्रेडिटर। सो लेट मी डिवाइड 55,500 इनटू टू पार्ट्स। कितना आ रहा है देखो, अमाउंट इज 27,750। ये जो है, ये प्रशांत के अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड दिस अमाउंट हैज गॉन फ्रॉम माय कैश। तो मेरी कैश उतने से कम हुई, तो मुझे कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। और मैंने क्या किया है? परचेज किया है, तो मुझे परचेजेस को डेबिट करना पड़ेगा 55,500। क्लियर? ऑलराइट, सो लेट मी राइट दिस एंट्री हियर। थर्ड को मेरी एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 55,500 टू कैश 27,750 and to Prashant account. Future में मुझे कभी ना कभी इसे पे करना पड़ेगा। Narration being, purchases made for cash and credit. Alright? आगे रिटर्न गुड्स वर्थ 550 टू प्रशांत। जो हमने परचेज किया था उसके वक्त जो एंट्री पास की, उससे उल्टी एंट्री अभी मुझे पास करनी है।
क्या हुई थी, मैंने परचेजेस की एंट्री की थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रशांत, तो अभी उल्टी एंट्री कैसे मैं पास करूंगी, प्रशांत को मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया था तो मुझे अभी करना पड़ेगा डेबिट, सो प्रशांत अकाउंट डेबिट, और मैंने परचेजेस को डेबिट किया था तो परचेजेस को मैं करूंगी क्रेडिट, सो प्रशांत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट दी गई है देखिए 550 रुपीज, तो मुझे इससे एंट्री पास करनी है, तो आपकी एंट्री आएगी प्रशांत अकाउंट डेबिट 550 टू परचेज रिटर्न, आप इसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, ओके, नरेशन बीइंग परचेज रिटर्न्ड, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है, देखो सोल्ड गुड्स वर्थ 90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, कितने के गुड्स हैं ये देखिए 90,000 के गुड्स है, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, तो 10% ऑफ 90,000 मतलब 9,000, कितना बचा 81,000। ये अमाउंट क्या है जिसपे मैं सेल्स रिकॉर्ड करूंगी, राइट, सेल्स इज रिकॉर्डेड एट द नेट प्राइस, तो 81,000 इज द अमाउंट। अभी क्या दिया है, दिस इज क्रेडिट सेल्स, तो मेरी एंट्री क्या आएगी, रणवीर को मुझे डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज उससे पैसा मिला नहीं है, तो ही बिकम्स माय डेटर, सो रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बिकॉज मेरे गुड्स बिजनेस से बाहर गए हैं, तो मेरा सेल्स मुझे बढ़ाना पड़ेगा, मेरी एंट्री आएगी रणवीर अकाउंट डेबिट 81,000 टू सेल्स। सेवेंथ को मुझे ये एंट्री लिखनी है, रणवीर अकाउंट डेबिट 81,000 सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यहां पे भी ट्रेड डिस्काउंट था, हमें हमेशा याद रखना है दैट ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर अपीयर इन द बुक, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हमें ट्रेड डिस्काउंट की जरूरत है, ओके। आगे क्या है, रिसीव्ड कमीशन 4,500, रिसीव्ड है मतलब मेरे पास कैश है, कैश का बैलेंस मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं कैश को करूंगी डेबिट, और किस चीज के लिए आ रहा है, कमीशन के लिए, सो कमीशन इज माय इनकम, इनकम को कौन सा बैलेंस होता है याद करिए, हमारा जो क्लियर अप्रोच था, मैंने इसके बेसिक्स आपको समझाए हैं, किसी ने अभी तक अगर ये वाला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज गो थ्रू दैट, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, हमारा कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू इनको हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस और एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। नाउ कमीशन हियर इज माय रेवेन्यू, तो कमीशन को मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट, तो मेरी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 4,500, ओके, लेट मी राइट दिस एंट्री हियर नाउ, कैश अकाउंट डेबिट 4,500 टू कमीशन अकाउंट, being commission received, all right, okay. Next क्या है, देखो received check of 80,000 from Ranveer in full settlement of his account. Full settlement का क्या मतलब होता है, देखिए मैंने discount वाला जब आपको journal entry सिखाए थे वहां पे मैंने बताया था, full settlement मतलब इसके आगे अभी कुछ भी transaction हम दोनों के बीच में नहीं रहा, रणवीर का जो अकाउंट है वो सेटल हो गया, इसे हम बोलते हैं फुल सेटलमेंट। रणवीर के अकाउंट को हमने सेवेंथ वाला जो ट्रांजैक्शन है उसमें देखिए क्या दिया है, रणवीर के अकाउंट को हमने डेबिट किया था 81,000 से, इसका मतलब 81,000 रुपीज रणवीर से आने चाहिए थे, अभी कितना चेक मिला है 80,000 का, तो बचा कितना 1000, ये 1000 क्या है, ये 1000 आने नहीं वाला है हमें बिकॉज फुल्ली सेटल हो गया अकाउंट, अभी जो 1000 है दैट मींस इट इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग दैट आपने उसे डिस्काउंट दिया है 1000 रुपीज का, ठीक है, 81,000 आने वाले थे, 80,000 का चेक आया तो जो 1000 बचा इट इज अ डिस्काउंट दैट वी हैव गिवन, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, पैसा कितना आया
80,000, सो उतने से मुझे बैंक अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी. डिस्काउंट फॉर अस बिकम्स अ नुकसान, वो मेरा लॉस हो गया, तो डिस्काउंट को मैं डेबिट करूंगी 1000 से. और रणवीर का अकाउंट मुझे सेटल करना है, मैंने रणवीर को डेबिट किया था 81,000 से, तो अभी मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा 81,000 से. लेट अस राइट द एंट्री नाउ. तो हमारी एंट्री आएगी ऑन द 15th, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 का चेक मिला, हमने डिस्काउंट दिया 1000 का, और हमें अभी अकाउंट सेटल करना है रणवीर का. रणवीर के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 81,000 से, और हमारा नरेशन आएगा बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड. देखिए यहाँ पे रणवीर के अकाउंट को क्रेडिट हो गया 81,000 से, यहाँ पे रणवीर के अकाउंट को डेबिट था 81,000 से, तो हमारा अकाउंट सेटल हो गया, मतलब अभी कोई भी लेना देना बाकी नहीं है. ठीक है, आगे. परचेस्ड कंप्यूटर वर्थ 80,000 फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक एट 28% जीएसटी. तो अगर आपका ये हो गया होगा बच्चों, तो लेट मी फर्स्ट इरेज दिस. हमें वापस एक वर्किंग नोट बनानी है. देखिए कंप्यूटर परचेज किया है, कितने का है वो 80,000 वर्थ कंप्यूटर है, और जीएसटी है 28%, तो 28% जीएसटी कितना आएगा 80,000 पे, कैलकुलेट करिए 22,400. इस 22,400 को मुझे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट इज 11,200 ईच, और टोटल कितना आता है 80,000 प्लस 22,400, दैट इज 1,02,400. ये कितनी अमाउंट है, ये अमाउंट है जो मैंने चेक से पेमेंट किया है, इट इज गिवन बाय चेक, करेक्ट. तो हमारी एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे हमने कंप्यूटर परचेज किया, तो कंप्यूटर बढ़ गया, बिजनेस में आया ना, मुझे एसेट बढ़ाना है, तो कंप्यूटर को मैं डेबिट करूंगी, कौन से अमाउंट से, 80,000 से मुझे डेबिट करना है. और ये मैंने परचेज किया, तो परचेज करते वक्त जो भी जीएसटी आता है उसे हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी, उसे भी हम डेबिट करेंगे. और जो टोटल अमाउंट है, दैट इज द अमाउंट जो मेरे बिजनेस से बाहर गई है, मेरे बैंक अकाउंट में से बाहर गया है, तो बैंक का अकाउंट मुझे कम करना पड़ेगा बैलेंस, इसीलिए मैं उसे करूंगी क्रेडिट. सो लेट अस राइट द एंट्री हियर. 18th को कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 80,000. देखिए जीएसटी की अमाउंट से इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. मैंने जब आपको जीएसटी के ट्रांजैक्शन सिखाए थे बेसिक, वहां पे मैंने ये थरली एक्सप्लेन किया है. अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू दैट, आपको जीएसटी से रिलेटेड सब कुछ बहुत क्लियरली समझ जाएगा. कंप्यूटर को मुझे 80,000 से डेबिट करना है, इनपुट जीएसटी को भी मैं डेबिट करूंगी, अमाउंट इज 11,200, और टोटल जो भी अमाउंट है दैट इज द अमाउंट दैट आई हैव पेड थ्रू चेक, अमाउंट इज 1,02,400. ओके, नरेशन आपका आएगा बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड एट 28% जीएसटी. ओके चलो आगे क्या है देखते हैं. Wages paid 13,000. Wages is what? It is my expense. तो expense को हमेशा कौन सा balance होता है? Debit balance होता है. तो मैं wages को करने वाली हूँ debit. और payment हो गया है, मतलब cash मेरे business से कम हुआ है. Cash is my asset. Cash को हमेशा debit balance होता है, इसलिए जब कम करना है तो मैं उसे करूंगी credit. तो मेरी entry आएगी wages account debit 13,000 to cash. Date is 22. Let me write this entry. Wages account debit 13,000, cash account 13,000, narration being wages paid. Okay? आगे क्या है देखते हैं.
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 17,000 पे हुआ है। नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव। देखिए, मैंने आपको जब बेसिक प्रिंसिपल समझाए थे तब बताया था दैट बिजनेस इज डिफरेंट एंड प्रोप्राइटर इज डिफरेंट। लाइफ इंश्योरेंस है मतलब किसका लाइफ है? बिजनेस का तो कोई भी लाइफ नहीं है ना, इट इज नॉट अ लिविंग बींग। प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा, ऑब्वियस है। तो अगर प्रोप्राइटर का है दैट मीन्स इट इज अ ड्रॉइंग्स। बिजनेस का नहीं है, प्रोप्राइटर का पर्सनल है, तो वो बन जाता है ड्रॉइंग्स। तो इसलिए जब भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं तो हम ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे। और बिजनेस में से क्या गया? पेमेंट हुआ है, कैश गया है बिजनेस में से, तो कैश का बैलेंस मुझे कम करना है, इसीलिए मैं कैश को करूंगी क्रेडिट। मेरी एंट्री आएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 17,000 टू कैश 23 को। लेट अस राइट दिस एंट्री। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा प्रोप्राइटर के लाइफ पे रहेगा, यू हैव टू नो दैट। यू हैव टू ऑलवेज डेबिट ड्रॉइंग्स इन दिस सिनेरियो, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ऐसे डॉट डॉट मत करिए, पूरा अच्छी से आपको नरेशन लिखना है, ठीक है। लास्ट क्या है देखिए, सोल गुड्स वर्थ 28,000 टू तुषार हु पेड अस 18,000 इमीडिएटली। 28,000 का हमने सेल्स किया, उसके बदले में 18,000 हमें तुरंत मिल गया है कैश में, तो कितना बचता है? 10,000। ये अमाउंट क्या है? ये अमाउंट फ्यूचर में हमें मिलने वाली है तुषार से, तो इसलिए तुषार के अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा 10,000 रुपीज। ऑलराइट, लेट मी राइट द एंट्री नाउ ऑन द 27th। हमारी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, इमीडिएट पेमेंट इज 18,000, जो नहीं मिला वो कितना है? 10,000। इसीलिए मैं तुझे तुषार को डेबिट करूंगी बिकॉज फ्यूचर में वो पैसा मिलने वाला है। और ये हुआ क्या है? सेल्स हुआ है, तो ऑब्वियसली मुझे सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा टोटल अमाउंट से 28,000। मेरा नरेशन आएगा बीइंग गुड सोल्ड एंड पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। ऑलराइट, अगर बहुत अच्छी से समझ गया यहां तक बच्चों, प्लीज हिट द लाइक बटन, डू कमेंट सो दैट मुझे समझ में आता है दैट आप लोगों को ये बहुत अच्छी से समझ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अभी क्या बचा? अभी सारे एंट्रीज तो हमने कर लिए है, कुछ भी अनटिक नहीं है, तो लास्ट इज व्हाट? हमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल करना है, सो लेट्स डू दैट हियर। तो यहाँ पे मेरी डेबिट कॉलम की टोटल आ रही है 4,27,950 और क्रेडिट की भी टोटल आ रही है 427,950। ओके, ऑलराइट, आई होप आपको ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। अब मैं मिलूंगी आपको अगले लेक्चर में जहां पे मैं अगला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। मैंने ये जर्नल एंट्रीज का प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट ताकि आपके सारे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।